पहाड़ों में बरसात शुरू हो चुकी है और यहाँ पे देखिए जंगलों में जो है जंगली फूल यहाँ पे बहुत सारे खिल चुके हैं, जिसपे मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये देखिए बम्बल भी यहाँ पे जो भौंरा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसने बहुत सारा पोलन और नेक्टर जिससे बाद में शहद बनता है उसको इकट्ठा करके ये अपने घर तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे सीजन का जो है ये लास्ट स्वार्म था, जो कि काफ़ी बड़ा स्वार्म यहाँ पे निकला था। देखिए आसमान में हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है मधुमक्खियाँ उड़ रही है और यहाँ पे इस एप्पल के ट्री में इसने बैठना शुरू कर दिया है। ये एक झुंड बना के कहीं भी जहाँ पे कुछ मधुमक्खियाँ बैठ जाती है और फिर रानी मधुमक्खी जहाँ पे बैठती है तो बाकी सारा झुंड जो है वहाँ पे आके बैठ जाता है। जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जैसे ही मधुमक्खी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी बात करते हैं कि इस तरह का झुंड जब जो है स्वार्मिंग होती है, जब एपियरी से निकलता है, तो जब आप उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क देते हैं तो वो किसी पेड़ के तने के ऊपर इस तरह से बैठ जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम उस झुंड को जो है एक टोकरी के अंदर डाल के उस टोकरी के अंदर फिर सेफली ले जाके उसको एक अच्छा सा घर देते हैं, कंफर्टेबल घर दे देते हैं ताकि वो वहाँ पे फले फूले। तो आइए फिर इस वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से हम इस पूरे झुंड को यहाँ पे पकड़ेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यहाँ पे देखिए आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अपने जो है सर पे आपको वी वेल ये जो टोपी है ये लगानी पड़ती है, हाथों में आपको ग्लव्स लगाने पड़ते हैं। फिर इस तरह की जो है टोकरी है जिसके अंदर हमें घर का जो है प्योर शहद इसके अंदर लगभग आधा चम्मच हम घिस देते हैं, ताकि जो शहद की खुशबू से सारी जो झुंड है जो मधुमक्खियां हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इस टोकरी के अंदर चली जाए। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है मधुमक्खियों को पकड़ने का। इसमें मधुमक्खियों को कोई भी जो है नुकसान नहीं होता, कोई भी क्षति नहीं होती, तो इसमें बहुत ही सेफ जो है मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो मधुमक्खी का झुंड होता है इसमें हम बहुत ही प्यार से नीचे से जो झुंड होता है उसमें हथेली से जो है हाथ से धक्का मार के टोकरी के अंदर जो है धकेल देते हैं धीरे धीरे, ताकि ये टोकरी की तरफ को मोटिवेट हो जाए टोकरी की तरफ को जाने में। फिर ये जो है पैदल इसके अंदर सारी मधुमक्खियाँ घुसने की कोशिश करती है और कुछ उड़ के डायरेक्ट जो है इस टोकरी के अंदर चली जाती है। तो फिर आप इस तरह से एक पेड़ के जो है पत्तियों वाला ऐसा तिनका ले सकते हैं जिससे आप मधुमक्खियों को इस टोकरी की तरफ को धकेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप मधुमक्खियों को टोकरी की तरफ धकेलना शुरू कर देंगे तो इनका एक जो है टोकरी की तरफ को जाने की एक जो है फॉर्म बन जाती है। तो फिर ये सारी मधुमक्खियाँ एक दूसरे को देख के उसी साइड को जाने लग जाती है। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है झुंड था जिसको हमने आज पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो झुंड है अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी दिन पहले निकला हुआ था, बट ये वीडियो में आज तक अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते इस वीडियो को मैं आज अभी एडिट करके फिर अपने चैनल पे डाल रहा हूँ कि किस तरह से जो ये झुंड को पकड़ा जाता है, ताकि आप सबकी जो मित्र खासकर नए बी कीपर हैं उनको इस तरह से जो हमारी पहाड़ी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो, उनको अलग अलग तरह का जो है यहाँ पे वीडियो मिले ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। क्योंकि नया झुंड जब एक नया बी कीपर भाई पकड़ता है जिसका पहला झुंड हो जिसका या फिर दूसरा तीसरा झुंड वो पकड़ रहा हो तो उसको कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मधुमक्खियों की इतनी ज़बरदस्त जो है आवाज़ यहाँ पे होती है कि एक थोड़ा सा फर्स्ट टाइम इंसान को डर भी लग सकता है, ये नेचुरल है। बट धीरे धीरे आप जो है पूरी इस तरह से सेफ्टी लगा के फिर आप बहुत ही आराम से इस झुंड को इस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी मधुमक्खियाँ जो है इस टोकरी के अंदर कैसे अंदर को जा रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यार से ये कुछ मधुमक्खियाँ चल के इसके अंदर टोकरी के अंदर जा रही है और कुछ देखिए अभी उड़ के इसके अंदर जा रही है। तो अभी जो बाकी बची हुई मधुमक्खियाँ हैं हम यहाँ पे टोकरी को इस तरह से लटका के रख देंगे और सारी मधुमक्खियाँ इसके अंदर खुद ही चली जाएगी। जब पूरा झुंड इस तरह से पकड़ लिया हो आपने तो इस तरह से देखिए फिर पूरी टोकरी फुल हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा स्वार्म है, यूँ कहिए कि इस साल का मेरा बड़े स्वार्मों में से एक स्वार्म ये भी है। तो इस तरह से फिर इस बॉक्स के अंदर जो है हम कुछ खाली फ्रेम लगा के और एक शहद और ब्रूड वाली फ्रेम लगा के इस तरह से मधुमक्खियों को बॉक्स के अंदर झाड़ देते हैं। और जैसे ही
हम मधुमक्खियों को झाड़ देंगे तो इस कपड़े को हम एकदम से बंद कर देंगे। और ये फिलहाल गर्मियों के टाइम पे टेम्परेरी कपड़ा है वैसे, उसके बाद आप यहाँ पे लकड़ी का इनर कवर जो है अगले दिन से इसमें यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल भरी गर्मी में, क्योंकि हमारा पहाड़ों में यहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है तो कई बार कुछ छोटे स्वार्मों में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बड़े स्वार्म होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट बनती है तो वहाँ पे इनर कवर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर कुछ आपका जो है वेंटिलेशन होना चाहिए बॉक्स में ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपके बॉक्स में वेंटिलेशन होगा हवा के लिए कहीं ऊपर से जैसे इनर कवर लगेगा तो उसमें बीमारियां भी नहीं लगती, जैसे बहुत ज़्यादा आजकल थाइसेक ब्रूड फैला हुआ है तो उस तरह की बीमारियां फिर नहीं फैलती। तो इस तरह से देखिए एक मधुमक्खी के झुंड को जो है यहाँ पे पकड़ा जाता है। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।